हेलो डियर, मैं रोहित बात कर रहा हूँ फ्रॉम सीनियर टेक्निकल टीम ऑफ पुरुषोत्तम सर कोस्टिंग क्लासेस। हमारे कई स्टूडेंट जो गूगल ड्राइव ऑर्डर करते हैं सीए इंटर और फाइनल का, उसको एक्टिवेट और डाउनलोड करने में काफी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। तो आपको इस वीडियो में मैं डाउनलोड और एक्टिवेट कैसे करना है ये पूरा प्रोसेस बताऊंगा। काइंडली वीडियो को एंड तक देखिए। देखिए, सबसे पहले आपको अपने डेस्कटॉप पे जाना है, देन उसके बाद अपना आप फाइल मैनेजर खोलेंगे या दिस पीसी आप खोलेंगे। ये यहाँ आपका दिस पीसी है, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे ड्राइव के। आप किसी भी ड्राइव में, किसी भी ड्राइव को आप ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं एफ ड्राइव को ओपन करता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे, ये हम फोल्डर बनाएंगे। इस फोल्डर का हम नाम देंगे कोस्टिंग क्लासेस ऑफ पीएसआर। इस फोल्डर को बनाने के बाद अब हम डेस्कटॉप डाउनलोड में जाएंगे। एक बार हम ये देखेंगे कि हमने डाउनलोड क्या क्या किया, जो भी हमारे लिंक्स उसमें आए हुए हैं सॉफ्टवेयर वगैरह, वो हमने क्या डाउनलोड किया। अभी हमने यहाँ पर कुछ भी डाउनलोड नहीं किया है। तो डाउनलोड कैसे करते हैं एक बार मैं आपको वो बताऊंगा। क्रोम में जाकर अपनी जीमेल आईडी खोलेंगे। अपनी जीमेल आईडी लॉगिन करने के बाद ये हमारी जीमेल आईडी ओपन हो गई है। यहाँ पर हम सर्च करेंगे, इधर सर्च करेंगे सीरियल की के नाम से, ये नीचे आ गई है। देखिए, मेल खोलने के बाद आपको काफ़ी सारी अटैचमेंट्स दिखाई दे रही होंगी, उसमें हम अपने क्लासेस वाले अटैचमेंट खोलेंगे और हमारे यहाँ पर डाउनलोड वाले लिंक में जाएंगे। इसमें हमारे सॉफ्टवेयर्स है सारे, ये सभी सॉफ्टवेयर्स है। सभी सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करना कंपलसरी है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम डाउनलोड करेंगे वीडियो प्लेयर को, वीडियो प्लेयर, के लाइट और कंटेंट ब्राउजर, ये कंपलसरी है। सबसे पहले हम डाउनलोड करेंगे वीडियो प्लेयर को। वीडियो प्लेयर को डाउनलोड करने के लिए थ्री डॉट पर जाकर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, वहां से डायरेक्ट हम डाउनलोड करेंगे। फिर उसके बाद हम के लाइट को भी ऐसे ही करेंगे थ्री डॉट पर जाके। देन कंटेंट ब्राउजर है जो, उसको भी हम ऐसे ही डाउनलोड करेंगे थ्री डॉट पर जाके डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है, एक डायलॉग खुलेगा डाउनलोड एनी वे का, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखिए, यहाँ पर डायलॉग खुला है, डाउनलोड एनीवे कर देंगे। अब वो देखिए ऊपर डाउनलोड हो रहे हैं। ये यहाँ देखेंगे ऊपर हमारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहे हैं, जैसे कि के लाइट हमारा डाउनलोड हो गया है। यहाँ डाउनलोड एनीवे करके ये हमारा वीडियो प्लेयर भी डाउनलोड हो गया है। अब हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये हमारे तीनों सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड हो गए हैं, कंटेंट ब्राउजर, वीडियो प्लेयर और के लाइट। अब यहाँ पर हम शो इन फोल्डर में जाएंगे, एक बार इस पर क्लिक करेंगे। ओ सॉरी, कुछ गलत क्लिक हो गया है, एक बार दोबारा। हम यहाँ पे ये देखिए के लाइट के शो इन फोल्डर में हम एक बार क्लिक करेंगे। ये जहाँ हमारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुए हैं इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे। सभी जो हमारे डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर है इनको कट करके हमारे जहाँ पर दिस पीसी में एफ ड्राइव में हमने जो सॉफ्टवेयर जो फोल्डर बनाया था कोस्टिंग क्लासेस और पीएसआर के नाम से, यहां हम पेस्ट कर देंगे इसको ओपन करके। ये मैंने पेस्ट कर दिए। अब इसके बाद जो पहला स्टेप है, जैसे कि के लाइट को इंस्टॉल करना है। के लाइट को इंस्टॉल करके एक डायलॉग खुलेगा, इसमें आप यस कर देना। इसके बाद आप नेक्स्ट 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 करते जाना। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, बस नेक्स्ट करना है। ये आपका के लाइट इंस्टॉल हो रहा है। और ये आपका फिनिश, के लाइट इंस्टॉल हो चुका है। फिनिश करके ऐसे ही हम एक कंटेंट ब्राउजर है, इसको भी हम एक्टिवेट करके दिखाएंगे। मोर इन्फो पे जाके आपको रन एनीवे पे करना है, एक बार यस पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद तो ऐसा खुलने के बाद ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि प्लीज एंटर सीरियल की। तो सीरियल की हमारी वहीं पर है जहाँ पर हमारे जीमेल में अटैचमेंट्स थी। ये देखिए, ये हमारी सीरियल की है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद हम वापस कंटेंट ब्राउजर में यहाँ इसको पेस्ट कर देंगे। चेक ऑब्जेक्ट पर एक बार क्लिक करेंगे, कंफर्म ऐड सब्जेक्ट करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आगे का इंटरफेस ओपन होगा, देन इसको प्रोसीड टू एक्टिवेशन पे कर देंगे। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा बस।
ये देखिए इसको यस करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद अब हमें इसे एक्टिवेट करना है, चेक की पे करेंगे। इसके बाद हम ईमेल आईडी डालेंगे, जैसे कि मैं रैंडमली कुछ भी ईमेल आईडी डाल देता हूँ, ये मैं ईमेल आईडी टाइप करता हूँ, आप अपनी ईमेल आईडी डालिएगा। यहाँ पर इस फॉर्म में आपको सारी अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, मैं रैंडमली जैसे आपको डालकर दिखा रहा हूँ, आपको अपने जैसे ईमेल आईडी, फुल नेम, मोबाइल नंबर, ये सब डालना है। इसके बाद अपना फुल नेम डालेंगे, जैसे मैं कुछ भी डाल के देखता हूँ एक बार, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर वही होगा जो आपने पुरुषोत्तम सर क्वेश्चन क्लासेस में रजिस्टर करवा रखा है। आप गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक ओटीपी आएगा, जितना ओटीपी आ रहा है आप उतना और फिल करिए इन्फॉर्मेशन। आप सिटी में जो भी आपकी सिटी एक्स वाई जेड वो सिटी आप डालेंगे। जैसे कि ओटीपी आ चुका है तो आप यहाँ पर अपना ओटीपी एंटर करके ये हमने ओटीपी एंटर किया, फिर इसको वैलिडेट ओटीपी कर देंगे और ओके का क्लिक करके नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। इस इन्फॉर्मेशन में आपसे पूछा गया है परचेस्ड फ्रॉम, तो इसमें परचेस्ड फ्रॉम में आपको जहां से आपने परचेस्ड किया, अगर हमारी आपने ऑफिशियल वेबसाइट से परचेस किया है तो आप वेबसाइट डालेंगे बस। देन उसके बाद जो आपका अटैम्प है वो कौन सा अटैम्प्ट है, मई, अगर जैसे मई 24 का है तो मई 2024। देन उसके बाद हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट अस, हमारे बारे में आपको कहाँ से पता चला, गूगल एडवर्टाइजमेंट से, मेल से, तो आपको वेबसाइट से अगर पता चला है तो आप वेबसाइट आप उसमें कुछ भी डाल सकते हैं। देन उसके बाद आप एक्टिवेट करेंगे, ये देखिए ये ऊपर एक्टिवेट हो रहा है, सक्सेसफुली एक्टिवेटेड हो चुका है। ऑथेंटिकेट करेंगे इसको एक बार, देखिए कंटेंट ब्राउजर आपका एक्टिवेट हो चुका है। अब आगे हम अपने उसी फोल्डर में आएंगे, यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाएंगे जो कि हमारे लेक्चर्स के लिए होंगे, इसको हम रीनेम कर देंगे लेक्चर्स के नाम से, लेक्चर्स फोल्डर। तो लेक्चर्स का फोल्डर बनाने के बाद ये फोल्डर हमने बना लिया एक लेक्चर्स का, इसमें हम एक और फोल्डर बनाएंगे जो कि चैप्टर्स के अकॉर्डिंगली होगा, चैप्टर वन, चैप्टर टू, चैप्टर थ्री। जैसे मैं इसको नाम दे देता हूँ चैप्टर वन, चैप्टर टू, बिकॉज चैप्टर वन जो आपका वो डायरेक्ट प्ले हो सकता है, उसके लिए कंटेंट ब्राउजर की जरूरत नहीं है। चैप्टर टू कोस्ट शीट एंड यूनिट कोस्टिंग, उसके बाद हम डाउनलोड में जाएंगे। डाउनलोड में हम देखेंगे हमने जो चैप्टर्स है वो डाउनलोड कर रखे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये चैप्टर्स डाउनलोड कर रखे हैं। देखिए हम डाउनलोड्स में आ चुके हैं और जैसे कि मैंने यहाँ पर सेकंड चैप्टर्स के एक दो लेक्चर डाउनलोड कर रखे हैं ऑलरेडी। इन लेक्चर्स को हम कट करके वहीं ले जाएंगे जहाँ हमने अभी फोल्डर बनाया था चैप्टर के नाम से। अब जैसे कि हम अपने दिस पीसी में आ गए हैं और जहाँ हमने सॉफ्टवेयर फोल्डर बनाया था उसी फोल्डर में हम इसको पेस्ट कर देंगे। हमने यहाँ लेक्चर्स पेस्ट कर दिए हैं, ये जो लेक्चर हमारे चैप्टर टू के थे हमने चैप्टर टू के ही सॉफ्टवेयर में पेस्ट किए हैं, सॉरी चैप्टर में। अब इसके बाद हम मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार, तो यहाँ मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि लेक्चर्स कैसे डाउनलोड करते हैं। इस लिंक पर जाएंगे, इसके बाद ये हमारे लेक्चर्स है, लेक्चर्स पर डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद हमें कौन सा लेक्चर चैप्टर देखना है उसे हम दो बार क्लिक करेंगे। दो बार क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जैसे लेक्चर फर्स्ट, सेकंड हमने कर लिया था, थर्ड को अब हम डाउनलोड करेंगे, थ्री डॉट पे जाके ये डाउनलोड हो गया है। दोबारा से डाउनलोड एनीवे करेंगे और ये डाउनलोड हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही डाउनलोड करना है, ये डाउनलोड करने का जो प्रोसेस है वैसे ही आपको डाउनलोड करना है। अब मैं आपको लेक्चर रन करके दिखाता हूँ। एक बार कंटेंट ब्राउजर को ओपन करेंगे, ये हमने कंटेंट ब्राउजर को एक बार ओपन करेंगे, ये कंटेंट ब्राउजर ओपन हो गया है, इसको यस करके ये देखिए ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस है जैसे हमने लेक्चर्स के फोल्डर बनाए थे
सेकंड लेक्चर का जो हमने फोल्डर बनाया था चैप्टर टू के नाम से कॉस्ट शीट एंड यूनिट कॉस्टिंग, इसको हम दो बार क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद हमारा लेक्चर आ जाएगा, इसको हम एक बार क्लिक करेंगे। ये सिर्फ एक बार क्लिक करके ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। ये देखिए, ये प्ले हो